Hey, I'm Dushyant Tandel. Welcome to my YouTube channel. तो आज मैं जाने वाला हूँ कलावंती दुर्गा। मैं घर से निकला था कुछ 6 बजे, इधर आते आते मुझे 7:30 हो गया। तो आते आते एक आंटी भी मिली थी, उन्होंने बताया कि यहाँ पे कैसे जाना है और कहाँ से जाना है। मैं यहाँ पे एक दोस्त के साथ आने वाला था तो वो नहीं आ पाया। तो देखते आज मैं सोलो ट्रिप पे आया हूँ, सोलो ट्रैक करने वाला हूँ। यह मेरा पहला ट्रैक रहेगा जो मैं सोलो करने वाला हूँ। आप लोगों से जो लास्ट वीडियो मुझे प्यार मिला है उसके लिए बहुत थैंक यू। मेरे दोस्त लोगों ने बहुत वीडियो शेयर किया। मैं लास्ट ट्रैक पे गया था, कल सुबह ही ट्रैक था, बहुत सारा प्यार मिला जो उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। और स्पेशल थैंक्स टू माय ब्रदर, मेरा जो आत्या का लड़का है उसका नाम केतन है। और अगर आप भी यहाँ पर आना चाहते हो, कलावंती दुर्गा ट्रैक करना चाहते हो, तो आपको ठाकुरवाड़ी से आना पड़ेगा, छोटा सा गाँव है वहाँ से। अभी मैंने गाड़ी पार्क की है, फिर मैंने अपना गाड़ी पार्क कर दिया है, यहाँ से अभी ट्रैकिंग चालू करेंगे। अभी जो आपने पार्किंग एरिया देखा, अगर आप अकेले भी आते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे जो लोग हैं वो आपको बता देंगे कि आपको कहाँ से जाना है कहाँ से नहीं। फर्स्ट टाइम है मेरा कि मैं सोलो आया हूँ, मतलब सोलो तो आने वाला नहीं था, मेरे दोस्त के साथ ही आने वाला था, पर फिर भी सोलो आके भी मुझे यहाँ पे 3 दोस्त मिले हैं। अगर आप सैटरडे संडे आते हो तो आपको सारे स्टॉल्स ओपन मिलेंगे, तो आपको वो गाइड करेंगे कि कैसे जाना है कैसे नहीं। तो आप यहाँ पे अकेले भी आ सकते हो। तो 2 जने वो जा रहे हैं प्रबलगढ़, और मेरे साथ जो आने वाले वो कलावंती जाएंगे। तो हम दोनों जाएंगे कलावंती, और 2 जने वो प्रबलगढ़ जाएंगे। प्रबलगढ़ मैं भी करूँगा पर अभी नहीं। आगे जाके आप अगर थोड़ा ट्रैक कंप्लीट करते हो तो यहाँ पे स्टे करने के लिए भी आपको जगह है। तो हम जा रहे कलावंती, उसके बाजू में ही है प्रबलगढ़। आप अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे फिर वापस से ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। अभी टाइम हो रहा है 9:30, 8:30 को हमने ट्रैकिंग स्टार्ट किया था, तो 1 घंटा हुआ। बाकी यहाँ का व्यू मस्त है। अभी हम लोग जा रहे कलावंती और ये लोग जा रहे प्रबलगढ़। तो उसका नाम बता दो भाई। अथर्व देवांग। अभी ये दोस्त मिले थे, मैं अकेला आया था, आगे जाके मुझे अकेले ट्रैक करना पड़ेगा, पर अभी ये लोग मिले हैं, दोस्त मिले हैं। और ये एक भाई भी है, इनका नाम प्रशांत वारंस। इनका भी एक यूट्यूब चैनल है, मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी छोड़ दूंगा। तो आपको अगर चेकआउट करना होगा इनका यूट्यूब चैनल पर जाके वीडियोज आप सारे देख सकते हो। तो ट्रैक है इनका, ट्रैक होने वाला है 3 अक्टूबर को। यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर इंस्टाग्राम्स, हम लोग का हैंडल इस पर डिस्क्रिप्शन में होगा, जो स्क्रीन पे शो हो रहा है उनका वो मोबाइल नंबर है। तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो अगर आप 3 अक्टूबर को अगर प्रबलगढ़ अगर आना होगा तो इनको आप कांटेक्ट कर सकते हो। फिलहाल के लिए बाय। अभी अगर आप यहाँ पर पहुँच जाते हो तो आपको यहाँ पे एक वाटर टैंक दिखेगा, तो यहाँ से आपको जाना है कलावंती के लिए, और यहाँ से आप जा सकते हो प्रबलगढ़ के लिए। और यहाँ पर ऐसा साइन जो सब दिखाए गए हैं, तो आपको आगे जाकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हर जगह आपको साइंस और स्टॉल मिल जाएंगे, तो आप लोग उनसे पूछकर आगे जा सकते हो। अभी हमारे टाइम तो कोई नहीं है, स्टॉल भी सब बंद है, तो साइंस हमें दिख रहा है उसके थ्रू ही हम लोग जा रहे हैं। तो हमें वहाँ से जा रहे हैं, आपको यहाँ पे आपको स्टेयर्स दिख रहे होंगी, तो यहाँ से चढ़ के वापस ऊपर जाना है। यहाँ पर अगर आप आते हो तो थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि बारिश का टाइम है, तो ध्यान रखना अपना और आपके साथ जो भी आएगा उनका भी आप ध्यान रखना। तो अभी स्टेयर्स चालू हो गई है, अभी आएगा मज़ा। जो मेरे साथ है भाई वो नीचे ही रुके हैं, देखिए उनके दोस्त और वो भाई बहुत रेस्ट करते हैं। तो अभी ऊपर जाएंगे, चलते ऊपर। और ये मेरे साथ मेरा दोस्त भी एक, ये देखिए, चलो अभी चलते, चल मेरे दोस्त साथ में, चल और साथ में चल रहे अभी। हाँ आ रहा है क्या तू? हाँ चल, थोड़ी स्लिपरी है। अच्छा हुआ कि बारिश नहीं आज, नहीं तो वही फॉग रहता है तो मज़ा नहीं है आने का, क्योंकि लास्ट टाइम भी कल सुबह गए थे हम लोग
तो हर जगह फॉग था, फॉगी फॉग था, तो उसकी वजह से जो मतलब देखने थी ब्यूटी वो कुछ दिख ही नहीं जाता कुछ। पर आज वैसा मौसम नहीं है, आज एकदम फुल ऑन अच्छा मौसम है। देखते हैं अभी यहाँ पे स्टेयर्स थोड़े बहुत स्लिपरी है। मैं निकलने से पहले ना सोच रहा था कि नहीं जाता हूँ। मेरे डैडी ने भी मुझे पूछा कि तू अकेला नहीं जा रहा है ना, दोस्त है ना? मैं हाँ दोस्त है। तो दोस्त ने फ़ोन करके बोला कि मैं नहीं आ रहा हूँ, तू जा अकेले ही। तो मैं अकेला निकल गया। सोच रहा था कि कैसे जाऊँगा, कैसे होगा, मतलब ट्रैक कैसे करूँगा, क्योंकि ये टाइम पर कोई नहीं होता। देखता भी हम लोग तो पहुंच गए, भाई अभी तक नहीं आया। भाई शायद से नीचे ही है अभी तक, अभी तक भाई नहीं आया। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ से ही चला जाऊँ, देख के आता हूँ आगे अगर कुछ रिस्क रहा तो पीछा मतलब वापस आ जाऊँगा। भाई का वेट करूँगा यहाँ पर ही, तो जाके एक बार देखता हूँ। मुझे एक चीज़ शायद से लग रही है कि जो ये पैच है ना, मतलब ऊपर चढ़ने का, यहाँ से शायद से रोप के थ्रू चढ़ते होंगे। वहाँ पर लिखा है खतरा, यहाँ पे भी लिखा है खतरा, यहाँ से जाने में खतरा है। पर भी जाके तो देखना पड़ेगा, इतना दूर आए, मुझे जाना है ऊपर, और ऊपर जाने का रास्ता मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। भाई भी आ ही नहीं रहे, उनका वेट कर रहा कब से, पर देखते अभी जाता हूँ। अगर आप भी आते हो यहाँ पे तो ध्यान रखना, अगर आपको ज़्यादा रिक्स लगे तो मत जाना। आप लाइफ में दोबारा भी आ सकते हो यहाँ पे, रिक्स मत लेना इतना भी कि आपको दोबारा आने का मौका ही ना मिले। नहीं, यहाँ से जाने के लिए रास्ता तो नहीं है शायद से, नहीं है यहाँ पे जाने के लिए रास्ता कुछ नहीं है। पापा चले जाते, मुझे लग रहा है कि वही रास्ता है जाने के लिए, चढ़ने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। अभी भाई का ही वेट करना पड़ेगा। मुझे वही लग रहा है कि जो मैंने आपको दिखा है ना, वहाँ से ही शायद से रोप लगा के चढ़ते ऊपर। पर अभी हम लोग फ्राइडे आए हैं, फ्राइडे यहाँ पे कोई नहीं, कोई स्टॉल्स भी चालू नहीं है, कुछ भी चालू नहीं है। इसके वजह से हम लोग को चढ़ने मिलेगा कि नहीं पता नहीं यार। मैं चढ़ सकता हूँ, पर चढ़ तो जाऊँगा, पर उतरने के टाइम मेरे लग जाएंगे। ऊपर जाना है, पर यहाँ पे अभी रोप हो सब नहीं, तो हम लोग वही देख रहे हैं कि कोई दूसरा रास्ता भी है ऊपर जाने का कि नहीं। तो भाई उधर गए वो साइड पर जहाँ पर मैं गया था, तो भाई भी वापस आ जाएंगे जैसे मैं वापस आया था। तो अभी वही देखते, थोड़ा जुगाड़ करते कुछ और ऊपर जाते। चढ़ना आसान रहता है, उतरना डिफ़िकल्ट। अभी भाई ट्राई कर रहे ऊपर जाने का विदाउट रोप, अगर वो चढ़ गए ऊपर तो मैं भी चला जाऊंगा। हमारे दो दोस्त आराम कर रहे हैं और एक ऊपर चढ़ रहे हैं। मैं माझ्या खांद्यावर पाय ठेवून तुम्ही जाऊ शकता बघा, ट्राई करतात का? म्हणजे एका खांद्यावर पाय देऊन तुम्ही जाऊ शकता, कारण तुम्हाला वाटतं मे बी तो इझी पडेल। भाई को ऊपर चढ़ा दिया मेरे शोल्डर का सहारा देखे। तो अभी देखते हैं, भाई पहुंच गए ऊपर और अभी ये रस्सी में शायद से फेंकूंगा, फिर मैं ऊपर जाऊंगा। फिर हम लोग ऊपर फाइनली आ गए, पर एक टेंशन है कि वापस नीचे भी जाना है। तो जो हम लोग ने रस्सी लगाया है वो हम लोग सोच रहे कि मतलब नहीं निकालने का, क्योंकि हम लोग को हेल्प होगा नीचे उतरने के लिए। अगर वो किसी का भी होगा हमने यूज़ किया है तो सॉरी उसके लिए। जाऊन दाखव तो अभी नीचे उतर रहे हैं। अभी नीचे उतरना थोड़ा मुश्किल है, देखते हैं। रोप तो वैसे हम लोग रखने वाले हैं, निकालने वाले नहीं है। और जिसका भी वो रोप होगा वो देख रहा होगा, अगर उसने उसको थोड़ा बुरा लगा हो तो उसके लिए पहले से सॉरी। अभी भाई जा रहे हैं हमारे, कर रहे ट्राई कर रहे हैं। पाए दोगे जीते? हाँ दे ना। हम एक मिनट उतरू जा,
पैर रखा है तो भाई रोप का सहारा लेके उतर सकते हैं। तो अभी हम लोग नीचे आ गए हैं, थोड़ा जुगाड़ करके ऊपर तो चढ़ गए थे और नीचे भी आ गए। कसा वाटला आज ट्रेक अपन केला? जर इथे काही ना रोप नसली, आपल्याला रोप भेटली नसती तर आपण काय केलं असतं? रोप नसती तर मोबाईल जायचा प्रश्न नव्हता, कारण हा मधला पॅच, त्याचा काही सपोर्ट नाही आहे, जो वरती ऑलरेडी दोरी लावलेली असती तर मग काही प्रॉब्लेम नव्हता जायला। पण हे आजचं ॲडव्हेंचर चांगलं झालं, त्यामुळं एकदम बेस्ट आहे। तर आप कुछ मेहनत कर रहे हो किसी चीज के लिए तो आपको जरूर मिलेगी। तो उन्हें बहुत ट्राई किया, पहले स्टार्टिंग में हम लोग ऐसे ही चल रहे थे ऊपर, तो कुछ हम लोग को सक्सेस नहीं मिल रहा था। फिर बाद में हम लोग ने आजू बाजू ज़रा देखा, वहाँ पे हम लोग को एक रोप मिली, तो हम लोग ने वो रोप का सहारा लेके ऊपर चढ़े। ये एडवेंचर लाइफ टाइम याद रहने वाला है, बहुत अच्छा है और बहुत मज़ा आया है ये एडवेंचर करने के लिए। तो बोलो आज मज़ा आ गया, मैं अकेला आया था पर दादा भी मिले, इसकी वजह से ये ट्रैक कंप्लीट हो पाया है। मोस्टली ये ट्रैक जो है ये वाला पार्ट, इसी में सबसे ज़्यादा मज़ा आया हम लोग को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। आने का कुछ तो फ़ायदा हुआ, अच्छा हुआ कि घर वापस नहीं गया मैं। तो उसमें आज का बहुत एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था, मज़ा आ गया। प्रफुल तूने मिस कर दिया भाई, अगर तू होता था तू भी सोचता था यार काश मैं आ जाता था यार। क्या करे, नसीब नसीब की बात है।